मैं पूजा पीतलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास थर्ड क्लास का हिंदी व्याकरण का तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगी। शब्द और वाक्य है ना, वर्ड एंड सेंटेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन शब्द के बारे में है ना। वर्णों के उस समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता है वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहते हैं। कोई भी वर्ण होता है उसका कोई समूह का जिसका कोई अर्थ निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए चित्रों के नामों पर विचार कीजिए, शेर, मोर, कुतुब मीनार, ताजमहल, भगत सिंह है ना, इनका कोई अर्थ निकला है, नाम है भगत सिंह, मोर, कुतुब मीनार, ताजमहल। ऊपर दिए गए चित्रों के नाम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऊपर दिए गए चित्रों के नाम, ये शब्द है, क्योंकि इनका एक निश्चित अर्थ है। जैसे श, श प्लस ए प्लस र, अ, शेर, मोर, म प्लस ओ प्लस र प्लस अ, मोर, ताजमहल का त प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ताजमहल, ऐसे सबके दे रखे हैं। यदि हम इन वर्णों के आगे पीछे लिख दें तो शब्द सही नहीं बनेगा। इनको आगे पीछे कर देंगे तो क्या बनेगा, शब्द सही नहीं बनेगा, वो फिर शब्द नहीं कहलाएंगे है ना। वर्णों के सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के क्या होते हैं, सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह को, ये तो क्रम होना चाहिए और उसका कोई सार्थक शब्द अर्थ निकलना चाहिए ना, उस समूह को क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब पढ़ेंगे अपन शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तीन है ना, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और ध्वनि वाले शब्द। तीन प्रकार के शब्द होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तीन, सार्थक, निरर्थक और ध्वनि वाले शब्द। पहले अपन पढ़ेंगे सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे अजगर, कमल, पतंग, दूध, रोटी, पानी आदि। उनका कोई अर्थ निकल रहा है ना, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वो कौन से शब्द कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। और इन शब्दों को पढ़ते ही, जैसे अजगर, कमल, पतंग, इन शब्दों को पढ़ते ही इनका अर्थ तुरंत हमारे समझ में आ जाता है। जैसे पतंग शब्द है, पढ़ते हमारे दिमाग में रंग बिरंगी पतंग का चित्र उभर जाता है ना। कमल, ओ कमल का फूल, उसके बारे में दिमाग आ जाता है। अजगर, ये कोई जीव है, उसके बारे में अपने दिमाग में आ जाता है। अब निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, शाय है ना, शाय का कोई अर्थ होता नहीं। पानी, वानी, रोटी, वोटी आदि, यहाँ शाय, वानी तथा वोटी निरर्थक शब्द है। ये क्या है, निरर्थक शब्द है। शाय, वानी, वोटी निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं है ना, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तीसरा है ध्वनि वाले शब्द, जिन शब्दों से किसी ध्वनि का पता चलता है वो उसे ध्वनि वाले शब्द। जैसे चींची, कांव कांव, भो भो, मे, चींची कौन करती, चिड़िया, कांव कांव कौन करता, कौवा, भो भो कौन करता है, कुत्ता करता है, मे क्या करती, बकरी करती। तो इनका क्या, ध्वनि से अपन को पता चल रहा है ना कि ये कौन सा, किसकी आवाज है ये, उससे अपन को ये ध्वनि वाले शब्द कहलाते हैं है ना। जिस शब्दों से किसी ध्वनि का आवाज का, मतलब ध्वनि से आवाज का पता चलता है वो कौन से, ध्वनि वाले शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे, अब जैसे ये पढ़ा है ना, हाँ, ध्वनि वाले चींची, कांव कांव, भो भो, मे है ना, मैं बकरी बोलती तो उसकी आवाज अपन पहचानते हैं, ये मैं बकरी बोल रही है, चींची चिड़िया बोल रही है, कांव कौवा बोल रहा है, बोबो मतलब कुत्ता भौंक रहा है ना। तो इनसे अपन को, इसकी ध्वनि से अपन को पता चल जाता है। अब पढ़ेंगे वाक्य। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। दो शब्द मिलेंगे सार्थक शब्दों से क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है ना। जैसे डाल पर कौवा बैठा है, यह कितना सुंदर घर है, वर्षा बहुत तेज हो रही है ना। अब ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ समझ में आ रहा है ना। डाल पर कौवा बैठा है, ये कितना सुंदर घर है, वर्षा बहुत तेज हो रही है। तो ये सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना जरूरी होता है ना। क्योंकि सार्थक वाक्य बनाएंगे तो शब्द सही होंगे तो वो वाक्य सही बनेगा। तो एक उदाहरण देखिए, डाल है कौवा बैठा, ये वाक्य सही अर्थ को प्रकट नहीं कर पा रहा है ना। अब इन शब्दों को क्रम से लिखते हैं तो वाक्य बनता है डाल पर कौवा बैठा है। इस वाक्य का समझ में आ गया है कि इसमें कौवे के डाल पर बैठे होने की बात कही जा रही है ना। कोई भी बात का अर्थ निकलना चाहिए। उल्टा सुलटा लिख देंगे, डाल है कौवा बैठा है, तो ये क्या है, कोई वाक्य सही नहीं बन रहा है। वाक्यों को सही बनाना, शब्द सही जगह पर रखना जरूर होता है। तो डाल पर कौवा बैठा है, ये कितना सुंदर घर है ना। तो ये सही सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना जरूरी होता है। सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है।
और वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना आवश्यक है। हर वाक्य एक विचार या बात को प्रकट करता है। कोई भी बात है, हर वाक्य एक विचार एक बात को प्रकट करता है। जैसे डाल पर कौवा बैठा है तो डाल पर कौवा बैठा है, तो कौवा कहाँ बैठता है? डाल पर बैठता है। ये एक विचार बात को प्रकट कर रहा है ना। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य के अंग है ना, वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं ना, जैसे मुकुट लिख रहा है, तो किसके बारे में कह रहे हैं? मुकुट के बारे में। तो उसका उद्देश्य क्या? मुकुट हो गया है ना। अब विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह क्या होता है? विधेय होता है। और वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। तो दो वाक्य के अंग होते हैं, मुकुट लिख रहा है, रमा पढ़ रही है, नीलम स्कूल जा रही है। ये तीन वाक्य दे रखे हैं और इसमें अपन उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य क्या है? यहाँ मुकुल, रमा और नीलम के बारे में कुछ कहा गया, अतः इन वाक्यों में रमा, मुकुल और नीलम क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। किनके बारे में वाक्य में किनके बारे में कहा जा रहा है? मुकुल के बारे में, रमा के बारे में, नीलम के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि नीलम स्कूल जा रही है, रमा पढ़ रही है, मुकुल लिख रहा है। तो ये क्या हो गया? किनके बारे में? इनके बारे में। इन वाक्यों का रमा, मुकुल और नीलम क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। कर्ता मतलब जो काम करने वाला। किसी वाक्य में कर्ता होता है, कर्ता मतलब क्या होता है? काम करने वाला। कर्ता क्या है इसमें? काम कौन कर रहा? मुकुल कर रहा, रमा पढ़ रही, नीलम स्कूल जा रही है। तो कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। विधेय, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। जैसे ऊपर लिखे वाक्यों में मुकुल के द्वारा लिखना, रमा के द्वारा पढ़ना तथा नीलम के द्वारा स्कूल जाना विधेय है। अब जो उद्देश्य है उसके, उसका जो कार्य है उसको क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो मुकुल क्या काम कर रहा था? लिख रहा है, रमा पढ़ रही है, स्कूल जा रही है, तो ये क्या है? विधेय है। समझ में आ गया? वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो, उद्देश्य और विधेय, है ना। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, है ना, वो होता है उद्देश्य। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह कहलाता है विधेय। समझ में आ गया? अब बढ़ते बनिए, दो या अधिक वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, सार्थक निरर्थक शब्द और ध्वनि वाले शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और ध्वनि वाले शब्द। शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। वाक्य का कोई ना कोई भाव अवश्य होता है। और वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। समझ में आ गया? अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते, देखो चलो, सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, है ना। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो कहलाता है शब्द कहलाता है। नीचे दिए गए शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाइए। जैसे पशु पसंद है बहुत मुझे, मुझे पशु बहुत पसंद है ना। इसको वाक्य सही करना है, मुझे पशु बहुत पसंद है। समझ में आ गया ना। अब अलग देखा, पशु पसंद है बहुत मुझे, इसको ठीक करना है, मुझे पशु बहुत पसंद है।